बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की। हम रोहान को भाई ले जाए। नहीं बेटा, सो रहा है वो अभी। जाओ तुम लोग खेलो। है कोई बात नहीं आमना, खेलने दो बच्चों को। उसे फोन कर और पूछ कि जनाब कौन से फिल्म के हीरो हैं आप। वो नंबर तो मैंने डिलीट कर दिया था। कोई हाल नहीं तेरा, भला घड़ा शहजादे को भी कोई ठोकर मारता है। हैं भी तूने मारा उनको है। इन्होंने कोई जान बूझ के थोड़ी गिराया रोहान को। अम्मी जी, मिंटू ने मुझे खुद बताया कि चिंटू ने उसको उठा के ना शीशे के टेबल पे फेंक दिया। तू चंगी तरह से जानता है कि वो मकान मैंने आमना और फातिमा के नाम कर रखा है। सारी बिरादरी को पता है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। अच्छा तो ये है तुम्हारी बहन के देवर। बड़ा ही नजदीकी रिश्ता है फिर तो। रिश्ते मिलने जुलने से बनते हैं जी, और कई बार वो लोग भी आपके दिल के बहुत करीब हो जाते हैं जिनसे बजायर आपका कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं होता। जी समझ रही हूँ नासिर साहब। मून पानी मंगवाना। मून यार पानी दे। वो असल में बाजी हमेशा नासिर के साथ ही आती हैं हमारे घर। वो लियाकत भाई दुकान पर मसरूफ होते हैं ना, उनके पास तो वक्त ही नहीं होता आने के लिए। और आप कहाँ होते हैं? अभी तो बस कहीं होने की आरजू कर रहा हूँ। अब दुआ करें किस्मत वहाँ ले जाए। घर चलते हैं, अब काफी देर हो गई है। मैंने तो अभी गोलगप्पे भी खाने थे। हाँ देमून, बहुत ही नदीदे हो तुम। मरियम अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें घर पर बता देना चाहिए था ना। हाँ तो और क्या, कितना ड्रामा हुआ ना आज। क्या मतलब ड्रामा? हल्का सा सर दर्द था, पता ही नहीं चला चक्कर आ गया। बात तो सारी चक्कर की है ना। शुक्र है कि नासिर भाई आ गए, वरना मेरी मरियम बाजी तो गिर जाती। प्लीज बिल ले यार। अब रहने दे, मैं दे देता हूँ जी। अब इतने भी एहसान मत करें हम पर। ऐसे एहसान नहीं कहते जी।
मुझे तो मरियम की बड़ी फिक्र हो रही है बेटा, किसी को कह के रक्षा मंगा दे मुझे। और मेरी मेरी तो कोई फिक्र नहीं है, आज माइयों है मेरा। मैं सदके में वारी, फिक्र क्यों करती हो मेरी ती, मैं शाम को शमीम के साथ आ जाऊंगी। नहीं, आपने कहीं पे भी नहीं जाना, यहीं पे रहे मेरे पास। मैंने आपको बता तो दिया, ठीक है मरियम। अब मैं आपको ना फोन करवा देती हूँ बेजी, आप परेशान ना हो। नहीं नहीं नहीं, बड़ा ही चंगा मुंडा है। मैं तो सोचती हूँ कि जे मरियम सड़क पे टह पड़ती तो चंगी पली सट लगनी थी उसको। रब भला करे उस मुंडे का। आप जानती हैं उसे? आहो, आया है वो 2-3 वरी हमारे घर। तनवीर का यार है, बड़ा ही चंगा मुंडा है। ओ, दिल के करीब, रिश्ते, आरजू और वफान, तो ये पहेली थी। कसूर तो मेरा है, एक ही बेटी है, लेकिन उसके नाज नखरे नहीं उठा पाई मैं। ना कभी उसकी आंखों में झिलमिलाते हुए दिए देखे, ना कभी उसके पैरों में बिन पायल झनकार सुनी। चाहिए तो ये था कि अपने खोए हुए सारे रंग इसके आंचल में भर देती, बिखरे हुए सारे फूल इसके दामन में डाल देती। लेकिन मैंने तो अपने आंसू ही इसकी आंखों में पिरो दिए, अपने दुखों की चादर अपनी बेटी के सर पर डाल दी। और इसने हंसते हुए मेरी हथेली के छाले उतार कर अपनी हथेली पर सजा लिए। ये तूने अच्छा नहीं किया शमीम, अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लड़की हो तुम आमना, ना कोई खैर ना कोई खबर, ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। बस घर के कामों में बहुत बुरी तरह उलझ गई थी, आपको क्या बताऊँ। उलझने परेशानियाँ तो हर बंदे को होती हैं आमना, अगर तुमने मेरा काम नहीं करना था तो मुझे बता देती ना। कौन सा काम? वाह आमना, मेरे आगे काम के रोने रो रो कर अब तुम कितने सुकून से बैठी हो। अगर काम नहीं करना था तो मुझे बता देती, तुम्हारी वजह से मैं कितनी जलील हो रही हूँ यहाँ पे। मिसेस यूनस ने कुर्ते मंगवाए थे, और किसने कहा था कि मैं लाकर दूंगी? उन्हें कोई बंदों की कमी है? हर कोई उनके काम कर सकता है। वो तो इस बार मैंने उनको कह दिया कि मैं आपका सामान भिजवा दूंगी। माफ कर दें सायरा बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। घर के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, और अब तो पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। जो भी है आमना, अब अपने रोने रोते हुए ना मेरे पास मत आना, इस तरह मेरी साख भी खराब होती है। सायरा बाजी मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो, शहजादी को चक्कर आए और वो यूं लड़खड़ा के गिर पड़ी और उसका खून बहने लगा। इसे चोट तो नहीं लगी? शहजादा जो आ गया उससे बचाने के लिए। भाई हमारे पास तो गुड्डा ही नहीं है, तो शहजादा कौन बनेगा? गुड्डा भी आ जाएगा। मून सुधर जाओ तुम और वापस आ जाओ सुबह वाले वाकये से। वैसी छोटी पप्पा मुझे सिदराबाजी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। क्यों, इतनी अच्छी तो है? हाँ बस बातें बहुत अजीब अजीब सी करती है ना। मुझे तो ऐसा लगा कि जब नासिर भाई आए ना तो उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगा। वैसे नासिर भाई कितने स्मार्ट है ना, अगर मरियम बाजी की जगह आपको चक्कर आ जाते तो। तुम कितनी बकवास करते हो ना फजूल, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। बच्चे हो बच्चे बन के रहो, हर वक्त फजूल, इतना फजूल बोलते हो तुम। अभी तक माथा गरम है। तो आराम कर पुत्र, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा अम्मा, मेरा भी जाने का दिल कर रहा है माइयों पर। ना पुत्र ना, तूने नहीं जाना,
दो दिन के बाद मेहंदी है तो जी भर के ढोलक बजा ले। अबे तू आराम कर ले, कमजोरी है ना पुत्र। अम्मी अम्मी वो रिक्शा आ गए। आती हूँ। हाँ पुत्र, मैंने चौल बना के ना किचन में रख दिए, तेरा पियू आए ना तो उसे कहना कि खुद निकाल के खा ले। अब खुद ना शुरू हो जाए काम करने। अच्छा अच्छा अम्मी ठीक है, जल्दी करें अम्मी, देर हो रही है। आहा, और छोटा किधर है? छोटा फिर से घुस गया होगा गुसल खाने में। ओ सगीर जल्दी आ यार, देर हो रही है। अच्छा आ गया। हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, चल चले चल। आए हैं जल्दी आए, देर हो रही है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल कफारा, कफारा, बोल हेलो कौन? हेलो जी तनवीर है? नहीं तनवीर तो घर नहीं है। आप कौन बात करी? मैं मरियम बात कर रही हूँ, आप कौन? मैं नासिर, नासिर बात कर रहा हूँ। कौन? नासिर हमीद, वो आमना भाभी का देवर। जी हेलो मरियम, आप सुन रही? जी वो मैं असल में आप ही से बात करना चाह रहा था। क्यों? मैं आपके लिए फिक्रमंद था। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी आपको? अगर लगी है तो माफी चाहता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कॉल करना आपको बुरा तो नहीं लगा? पता नहीं। क्या मैं आपको कभी कभी कॉल कर लिया करूँ? क्यों? क्योंकि आप मुझे अब्बू ये सूट जो है ना ये सास का है, और ये सूट जो है चाची सास और खाला सास के लिए। वाह सूट तो बड़े वधिया हैं, लगता है बड़े महंगे होंगे। एक तो दो, मैंने और भी खानदान के लिए सूट लेके रखे हैं। मैंने नवीद के अब्बा से कह दिया था कि मेरी बेटी के ससुराल से जरा लामा आया तो मैं तानू फाड़ लेना। कितने फाड़ी ना लेना। मामी एक तो आप मरियम को भी नहीं लाई और खुद भी अंदर आके बैठी हैं, उठे चले मेरे साथ।
समझाओ इसे। तू यहाँ क्या कर रही है? तू जाके बाहर बैठ, हम आते हैं। भाई कमाल ही होगी, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो पुत्र सेन में जाके बैठो, कुंड कड के जरा शर्मा के दुल्हनों की तरह। नानी मैं यहाँ से मामी को लेके जाऊंगी, बाहर कोई भी सही से गाने नहीं गा रहा। अच्छा हाँ। तो तू मुझे कहना, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं गाना सुनाती हूँ। कौन सा गाना तुमने सुनना है? नूरजहां का के जुबैदा खानम का? ना नूरजहां ना जुबैदा खानम, हम तो सिर्फ चिम्मो मामी के गाने सुनेंगे। पागल होई ये, नहीं उसने कौन सी किस्तें भरी हुई चिम्मो मामी ने, वो तो बेचारी छिती सती सी औरत है। चल अगे लग, चल चिम्मो मामी। अच्छा ये देख कितना प्यारा है ना। तारे आंधी लोए लोए, मैं ते ढोला एक होए, कदे उन में छुआ कदे मैनू छोए। तारे आंधी लोए लोए, मैं ते ढोला एक होए। कोलो नेड़े आजे मेरा दिल जानी, मेरा दिल जानी। बेटा ऐसे ऐसे, वेरी नाइस। हुमानी मेरा ज्यादा अच्छा है ना? जी नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा है। आप दोनों का बहुत अच्छा है मेरी जान, प्यार से कलर करते हैं, लड़ते नहीं है। ठीक है चलो अब ये वाले कलर करो, ये वाले। जी नीला रंग मुझे दो। मिंटू ये हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, छोटा भाई है ना, लड़ते नहीं है, प्यार से खेलते। चलो शाबाश, वेरी गुड। अरे आपका भाई आज तो बच्चे बड़े सुकून से बैठे हैं। सुकून से बिठाना पड़ता है। आप दुकान से आ रहे हैं? हाँ, अम्मी ने कहा था खाना घर आ के। अच्छा ठीक है, आप मुँह हाथ धोने में खाना लगाते। रोहान कमरे को क्या किया है इसने? क्या करी आप दोनों यहाँ पे? ऐथे आने लिए सानू टिकट की जरूरत है, और तू तो हमसे मिलने आता नहीं, हमने सोचा हम दोनों ही तुझे मिलने। अच्छा अच्छा चले आप निकले, मैं आता हूँ बाहर। ऐथे सानू कीड़ियाँ लड़ दिया ने, बह जा नहीं रिफत, बह जा। ओहो ऐ सारिया सिगरेटा तू पीतिया ने? नहीं तो और कौन नजर आया आपको? बाजी इफत है ना, ले मैं ही पीते होंगे फिर। क्या हाल किया वह तूने कमरे का, ना सिर ना खुद सफाई करता है ना किसी और को घुसने देता है। कमरे में तो वो ही घुसेगी। कौन? तेरी वोटी। और कौन, उसे भी सिगरेटें पिला दिया करना। फिर शुरू हो गया आप दोनों। ये देख जरा, ये देख, ये भी देख जरा। तो कौन है ये, कोई नया अदाकार है क्या? ये भी देख जरा, ये देख। अगर आप मेरी शादी के चक्कर में हैं, तो ये सारी फारिग हैं। तो कैसी कुड़ी पसंद है, तू ही बता दे। और कोई नहीं पसंद। लो क्या हो गया आप आजकल के लड़कों को, कोई कुड़ियाँ ही नहीं पसंद आती। नासिर अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है ना, तो बता दे हमें, हम दोनों रिश्ता लेके चले जाएंगे। आप लोग वाकई में चले जाएंगे? हाँ कुछ मुँह फुट के सही। और नहीं नहीं मैंने बाहर जाने, आप जाए यहाँ से। मेरा प्यारा वीर, मेरा सोना वीर, बता तो सही इसका नाम क्या है? इसका नाम बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।